नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जी हां, कारगिल विजय दिवस पर आज प्रत्येक भारतीय अपने वीर जवानों की वीरगति के साथ कारगिल में लिखी विजय गाथा को याद तथा अपने सैनिकों को नमन कर रहा है। यद्यपि हर तारीख गवाह होती है किसी न किसी इतिहास की, हमारे देश के कई इतिहास ऐसे हैं जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। 26 जुलाई को भी वही दिन है जब 1999 में करीब 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में भारत माँ के वीर सपूतों ने अपने बुलंद हौसलों, शौर्य और बहादुरी से जीत की एक ऐसी बेमिसाल तारीख लिखी जिसका उदाहरण इतिहास के पन्नों में भी नहीं मिलता है। कारगिल युद्ध तत्कालीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर में हुआ था। यह युद्ध दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था। इस दिन की याद में संपूर्ण भारतवर्ष में हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस विजय दिवस के साथ ही हम उन जवानों की वीरगति को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा की तथा पाकिस्तान को लगातार चौथी बार युद्ध के मैदान में पराजित किया था। पीएम मोदी ने विजय दिवस पर शहादत को नमन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा सत सत नमन। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों एवं उप प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में, जो अब लद्दाख में है, 1998-99 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के इरादे से इस क्षेत्र के कारगिल के पास सैनिकों को भेजना प्रारंभ कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की और भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश कर गई। उनका मुख्य लक्ष्य लद्दाख और कश्मीर के बीच के संपर्क को काट देना था ताकि भारतीय सेना की पहुंच सियाचिन ग्लेशियर तक न हो सके। इस युद्ध में पाकिस्तान के 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों के साथ पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने भाग लिया था जो भारतीय सीमा के भीतर LOC को पार कर कारगिल द्रास तथा अन्य महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिए थे। उल्लेखनीय तथ्य है कि जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के सामने मैत्री का हाथ बढ़ाते हुए लाहौर की बस से यात्रा की थी, ठीक उसी समय पाकिस्तानी सेना ने इस कायरतापूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया था। जहां एक ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारतीय प्रधानमंत्री के गले में फूलों का हार डाल रहे थे, वहीं उनकी सेना भारत के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रही थी। उस दौरान देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कई बार टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। तब भारतीय प्रधानमंत्री ने माना था कि शरीफ का अपनी सेना पर कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सैनिक के ऊपर तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ का नियंत्रण है। यहाँ पर हम लोग कारगिल युद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 3 मई 1999 ईस्वी को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ की सूचना दी। 5 मई को सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने के लिए कारगिल पहुंचती है तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम के 5 जवानों की कायरतापूर्वक हत्या कर दी। 9 मई को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूदा गोला बारूद का स्टोर नष्ट हो गया था। 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, ताकसार और मुस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था।
26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया और 27 मई से भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की तथा पाकिस्तान के सैनिकों के विरुद्ध भारतीय सीमा में रहते हुए मिराज 2000H, जगुआर, मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। 3 मई 1999 को पाकिस्तान की ओर से इस युद्ध की शुरुआत की गई, जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के बर्फीली चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर घुसपैठ की और उस पर कब्जा कर लिया। भले ही कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने प्रारंभ किया था, परंतु इसका अंत भारतीय सेना ने जीत के साथ किया। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। उस समय घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, जबकि भारतीय जवान काफी नीचे थे, इसलिए दुश्मन पर हमला करना बेहद कठिन था। इसलिए भारतीय जवान रात के अंधेरे में चढ़ाई करते थे, जो बेहद जोखिम भरा था। कारगिल युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया था कि बर्फ से ढकी कारगिल की चोटियों पर गोला बारूद खत्म हो गया था। इसके बाद भी भारत माँ के वीर सपूत दुश्मनों से लड़ते रहे, परंतु इस समय वैश्विक दबावों के बावजूद इसराइल ने भारत की मदद की। इसराइल के द्वारा न केवल भारतीय सेना के बोफोर्स तोपों के लिए गोलों मोर्टारों की आपूर्ति की गई, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए लेजर गाइडेड बमों के अतिरिक्त घुसपैठियों के लोकेशंस की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सर्चर और हेरोन जैसे ड्रोन्स की भी आपूर्ति की गई थी। बहादुर भारतीय सैनिक एक एक कर चोटियों पर चढ़ते गए और पाकिस्तानी सेना के बंकरों को नेस्तनाबूद करते हुए 26 जुलाई को भारतीय जवानों ने आखिरी चौकी पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सैन्य दल को खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध मई से जुलाई के महीने में -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लड़ा गया था। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया था। लगभग 2,50,000 बम इस युद्ध में दागे गए थे। साथ ही 300 से अधिक मोर्टार, तोप और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। अंत में भारत ने एक निर्धारित जीत हासिल की। इस युद्ध का अंत भारतीय विजय के साथ हुआ। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ते हुए इस युद्ध में पाकिस्तान के 600 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए थे, जबकि भारत के करीब 562 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और लगभग 1,363 जवान घायल हुए थे। यह युद्ध विश्व के इतिहास में दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की एवं कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। कारगिल युद्ध से संबंधित यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप अपने विचार तथा सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी विषय पर। देखते रहिए मंथन 2.0। जय हिंद।